Hey, what's up? What's up? What's up, guys? Yeah, very nice. हाँ, चलो, कौन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पूछो। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला ऐसे, ये ही बहुत अच्छी बात है सबसे पहले। बहुत ज़्यादा प्यार है। ओके मैम, बिल्कुल सबसे पहले थैंक यू सो मच सब लोग जिन्होंने अभी तक देख लिया गाने को, नाम है केसरियो रंग, अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली डू वॉच इट एंड बहुत अच्छा सॉन्ग है। हमने बहुत मेहनत की है, पूरी टीम ने एक्चुअली बहुत मेहनत की है टू क्रिएट द सॉन्ग, क्रिएट द विजुअल्स फॉर इट, सो बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों को भी पसंद है बिकॉज हम लोगों को पर्सनली बहुत पसंद है एंड दैट्स द रीजन वी चोज दिस सॉन्ग टू बी पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग एक्चुअली एंड या सो एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? यस एब्सोल्युटली, केसरियो रंग इज द नवरात्रि एंथम, द गरबा एंथम दिस ईयर, गाइज जस्ट गो फॉर इट। इस बार आप लोगों को सबको खेलने मिल रहा है गरबा, तो प्लीज ये गाना बजाएं और ये गाना देखें यूट्यूब चैनल पे, वायरल के यूट्यूब चैनल पे, एंड डू लाइक कमेंट शेयर एज मच एज यू कैन एंड जस्ट गिव इट ऑल योर लव, मेक योर रील्स ऑन दिस सॉन्ग डूइंग गरबा द हुक स्टेप एंड वी विल शेयर इट ऑन इट। या मुझे तो आंसू आ गए थोड़े से, मैं नहीं बताना चाहूंगा, मैं रंग पे हम डांस करने वाले इस नवरात्रि, आपको भी करना चाहिए। या डेफिनेटली, आई मीन वी विल बी विजिटिंग लॉट ऑफ इवेंट्स एक्चुअली एंड वुड लाइक टू डू द हुक स्टेप और डू बेसिकली गरबा विथ यू गाइज ऑन दिस सॉन्ग, बहुत मजा आने वाला है। मजा नहीं लाइक। बहुत अच्छे से तो नहीं खेल पाता था मैं गरबा पहले भी और आज भी, डांडिया काफी अच्छे से खेलता हूँ बट यस आई मीन बचपन से खेलता आया हूँ मैं डांडिया खेलता हूँ, सो एंड मेरे को बहुत मजा आता है दिस नवरात्रि का जो टाइम है, जो फन है, जो एनर्जी है, स्पेशली ऑन डांस फ्लोर एज वी कीप हियरिंग दैट फ्रेज, यू नो वो बहुत ही अमेजिंग लगता है मुझे द फैक्ट, स्पेशली सारे गुजराती लोगों को जो अलग ढंग से खेलते हैं गरबा और अलग ढंग से मूव करती है उनकी बॉडी, दैट इज जस्ट अमेजिंग विजुअल ट्रीट टू वॉच एंड या लुकिंग फॉरवर्ड दिस ईयर बिकॉज दो साल के बाद ऐसा कुछ होने वाला है जब सब अपनी भड़ास जो है वो डांस फ्लोर में लेकर आएंगे और केसरियो रंग से पूरे इवेंट को या फिर वो पूरे मैदान को रंग देंगे। यस मस्तियाँ तो बहुत हुई थी, पूरा ही शूट बहुत मस्ती में निकला। आई थिंक ये गाने की बात ही ये है कि पूरा दिन भी मैं सुन रही थी, हमने बार बार कॉन्स्टेंटली ये गाना सुना फिर भी हम लोग बोर नहीं हुए, इतना हम लोग मजे कर रहे थे एंड इवन द डांसर्स मतलब जो बैकग्राउंड में थे सब लोग इतना खुश थे, इतना यू नो दे वर सो एनर्जेटिक इवन टिल द लास्ट टेक दैट वी वर डूइंग, सो दैट्स द थिंग अबाउट गरबा कि यू नो दे पुट एवरी वन पुट्स इन अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड लव एंड देन They just want to, you know, like enjoy. तो ये माहौल जम जाते हैं उस वजह से। एकदम ही vibe ही create माहौल, वो माहौल जम जाता है। So yeah, that's it. अब थोड़े इधर भी पूछ पे ना थोड़ा। अच्छा, no, definitely यार, कंगना मैम is inspiration जी। बहुत inspiration है उनमें। और मतलब उनको देखकर कितनी लड़कियों को यू नो पावर मिली है टू स्पीक अप खुद के लिए एंड शी ऑलवेज डज दैट एंड आई लव हर फॉर दैट, आई अडोर हर फॉर दैट एंड आई थिंक शी हैज ऑल्सो गिवन मी दैट स्ट्रेंथ इन लाइफ ऑल्सो, एक्टिंग वेज में तो डेफिनेटली उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई हैं जो मैं कभी नहीं भूलूंगी और हमेशा मेरे काम आएंगी। सो या शी इज एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस, नॉट ओनली गर्ल्स, आई थिंक फॉर एवरी वन शी इज। सर आज के दिन राजू जी का निधन हो चुका है। Yes. उनके बारे में आप क्या कुछ? I'm really sad. I mean, I've been watching, following him since Laughter Challenge days. एंड गजोधर भैया एंड इतनी बार उन्होंने हम सबको हंसाया, इट्स जस्ट वेरी सैड टू नो दैट ही इज नो मोर विद अस, इट्स रियली सैड बट दैट इज हाउ लाइफ इज, आई मीन इट्स सो अनसर्टन, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, जो भी आपके लव्ड वंस है उनको बताओ वो चीज़, जताओ वो चीज़ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट एंड यू नेवर नो वॉट विल हैपन नेक्स्ट, सो
condolences to his family and really feeling very sad ki Raju sir hame aur entertain nahi karenge aur hamare beech mein nahi hai. So really sad. थैंक यू सो मच गाइज. आई मीन विदाउट यू गाइज, आप लोगों के बिना हम लोग नहीं है. हम लोगों की मोटिवेशन आप हो. सो रियली मीन्स अ लॉट जब आप लोग अप्रिशिएट करते हो हमारे वर्क को और हमारे लिए कुछ एक्स्ट्रा करते हो. दैट कैन बी एज सिंपल एज और एज डिफिकल्ट एज मेकिंग अनदर रील और मेकिंग आर वी एम्स या आर्ट्स. सो फैन आर्ट्स. सो आई मीन इट्स इट जस्ट रियली इट टचेज अस. मे बी हम लोग बहुत बार नहीं बोल पाते उस सब चीज़ों के बारे में. वी आर नॉट एबल टू कॉमेंट और लाइक योर पोस्ट और एनी थिंग, बट इट डेफिनेटली मीन्स लॉट बिकॉज आप लोगों की वजह से आज हम यहाँ पर हैं. मोटिवेटेड है टू कीप एंटरटेनिंग यू गाइज. मैं एक्चुअली अभी नहीं देख पाया हूँ, बट आई रियली वॉन्ट टू वॉच इट. आई विल बी ऑनेस्ट कि अभी तक नहीं देख पाया, बट मेरे को देखना है बिकॉज आई बीन थोड़ा सा कॉट अप. बट आई डेफिनेटली डू वॉन्ट टू वॉच इट ऑन थिएटर बिकॉज आई हैव हर्ड कि इट्स अ थिएट्रिकल एक्सपीरियंस एंड वुड लव टू एक्सपीरियंस दैट. सो थैंक यू.